हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है अब्दुल और आप देख रहे हैं टॉक विद अब्दुल यूट्यूब चैनल। CSIR की तरफ से अपडेट है आज की वीडियो में, पूरी बातें वीडियो के अंदर करूंगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसी तरीके की अपडेट्स आपको डेली आपके मोबाइल पर मिल जाएगी, बेल आइकन जरूर से प्रेस कर देना। तो इसी के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। नाउ नेशनल केमिकल लेबोरेटरी CSIR की तरफ से ये अपडेट पुणे में है और यहाँ पे डिवीजन जो है केमिकल इंजीनियरिंग एंड प्रोसेस डेवलपमेंट डिवीजन, इसमें से आपको पता चल जाता होगा कि कौन सी ब्रांचेस हो सकती है। फिर भी मैं एक बार यहाँ पे बता देता हूँ, पोजीशन यहाँ पे प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2 की है और 3 की है। तो यहाँ पे वैसे पोजीशन कम है और ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, तो आप में से जो यहाँ पे इंटरेस्टेड है वो यहाँ पे आके देख लेना। और ब्रांचेस में केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीटेक केमिकल से किया हुआ है तो आपके लिए अच्छा मौका है, और अगर आपने MSc किया हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, एनालिटिकल केमिस्ट्री, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये बीटेक MSc वालों के लिए, लेकिन ज़्यादा फोकस केमिकल पे किया हुआ है। दूसरी पोजीशन जो है प्रोजेक्ट असिस्टेंट 3, उसमें केमिकल इंजीनियरिंग वाले तो है, लेकिन उसमें यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा हुआ है 2 साल का। अगर आपने MSc किया हुआ है तो यहाँ पे अगेन एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। MTech वालों को यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है। MTech में यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी, बायोप्रोसेस टेक्नोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई दोनों पे वैकेंसी तो कम है, लेकिन पुणे में रहने वालों के लिए अच्छा मौका है। और सैलरी आपको प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2 में 25,000 की मिल जाएगी और बाकी में 28,000 की मिल जाएगी। अब यहाँ पे अप्लाई किस तरह से करना है, फीस यहाँ पे किसी भी तरह की नहीं ली जा रही है, ये रहेगा वॉक इन इंटरव्यू के तरह रहेगा। तो यहाँ पे आराम से सोच लो जॉब रिक्वायरमेंट में क्या है, वो पूरा अच्छे से इन्होंने दिया हुआ है, स्पेसिफाई किया हुआ है। स्क्रीनशॉट डिस्प्ले कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ लो। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट, किस तरह से अप्लाई करना है। ऑनलाइन प्रोसीजर यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे इन्होंने कहा हुआ है कि आपको एक अपना मतलब एक अच्छे से बायोडाटा टाइप का बनाना होगा, जिसमें नेम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन SSC से होना चाहिए, अगर एक्सपीरियंस है तो उसको भी मेंशन करो अच्छे डिटेल्स के साथ, फिर आपका एड्रेस और आपका कॉन्टेक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें आपको एक अच्छे से बायोडाटा की तरह बनानी है। बाकी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो भी इन्होंने मांगे हुए हैं, अब मैं ही आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स में क्या मांगे हुए हैं। आपकी जो डिग्री वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए, मतलब ज़रूरी चीज़ें जो भी होती है वो आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, टेस्टिमोनियल्स होते हैं वो होने चाहिए। तो ये सारी ज़रूरी चीज़ें, वो आपकी साइन की हुई फोटोकॉपीज होगी, वो आपको भेजनी है। अब किसको भेजनी है, तो चेयरमैन केमिकल इंजीनियरिंग एंड प्रोसेस डेवलपमेंट डिवीजन CSIR और पुणे 411008, और ये भेजनी है आपको 18 नवंबर से पहले। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, मतलब 18 को लास्ट डेट है, 20 नवंबर तक आपको पता चल जाएगा कि आपका यहाँ पे रिकमेंडेशन हुआ है या नहीं। और ये आपको खुद कॉल करके भी एक बार पूछ लेना है, या फिर आपको सामने से भी कॉल आ सकता है। कॉल लेटर की फॉर्मेट में कुछ भी नहीं आएगा, क्लियरली बताया हुआ है। और अगर आप मान लो सिलेक्ट हो जाते हो तो 22 नवंबर को यहाँ पे CEPD कॉन्फ्रेंस रूम में आपको चले जाना है सुबह 10 बजे, और वहाँ पे जाके इंटरव्यू देना है। और अगर आप बाहर से कहीं से आते हो तो आपको ट्रैवलिंग वगैरह इसका अलाउंस नहीं दिया जाएगा। तो पुणे में रहने वालों के लिए अच्छा मौका है, खास अच्छा मौका है। सैलरी अच्छी है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, कितना कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्जैक्टली नहीं बताया, लेकिन मौका अच्छा है, आपको अप्लाई करना चाहिए। डायरेक्टली ये सारी प्रोसेस मैंने बता दी, आप खुद से ही भर के ये सारी चीज़ें कर लो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और उम्मीद करता हूँ सारी डिटेल्स मैंने क्लियर कर दी है। और ग्रेजुएशन मांगा है, फाइनल ईयर वाले यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, ग्रेजुएट की पोस्ट है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें क्लियर है, सारे पॉइंट्स क्लियर है, डाउट किसी भी तरह का नहीं होगा, एग्जाम नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू है। तो बस यही सारी बातें हैं इस जॉब के बारे में। कौन कौन आप में से अप्लाई कर रहे हैं जरूर से कमेंट करके बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।